एसएससी प्रीलिम्स ने छुड़ाया पसीना, 17,000 ने कराया था पंजीयन, 8,209 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। पिछले 10 दिनों से शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी, रोज नए संक्रमितों से ज्यादा हो रहे हैं स्वस्थ, रिकवरी रेट 83.94%। ऑनलाइन लर्निंग के दौर में भी न हो विद्यार्थियों के साथ लैंगिक भेदभाव, विश्वविद्यालय अनुदान विभाग ने मांगी रिपोर्ट, यूजीसी की मुहिम में नागपुर रहा सबसे पीछे। होटल ढाबे में हुक्का पार्लर पर छापा, संचालक व 2 प्रबंधकों सहित 5 गिरफ्तार, इसमें 1 कोलमैन। बाल्या बिनेकर हत्याकांड मामले में खामला कामठी कनेक्शन पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, मांडवली बादशाह तक पहुंचने की कवायद जारी। मोबाइल कोविड टेस्टिंग, 3 दिन में 810 लोगों की गई जांच, 55 स्थायी और 10 मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर। सरकारी कार्यालयों में ठेका पद्धति से की जाएगी कर्मचारियों की भर्ती, खर्च में कटौती करने सरकार ने जारी किया पत्र। उत्तर प्रदेश में दबंगाइयों से हारी तो नागपुर पहुंची नेपाली युवती, दुष्कर्म का मामला, कोराडी पुलिस ने मामले में लिया एक्शन, पीड़िता ने कहा यहां की पुलिस को धन्यवाद। तो वहीं नागपुर की चचेरी बहने को एमपी में बेचा 1 गिरफ्तार, आरोपी दंपति के खिलाफ गिट्टी खदान थाने में मामला दर्ज। शहर के सबसे बड़ा जुआ अड्डा संचालक अशोक यादव उर्फ अशोक बावजी और उसके 4 साथियों को अपरा शाखा की यूनिट 3 ने घातक शस्त्रों के साथ धर दबोचा, डकैती का प्रयास का मामला था।